अगर भगवान ने आपको ऐसे किनारे पे लाके खड़ा किया है तो भी आप उन पर भरोसा रखिए सर, या तो भगवान आपको थाम लेंगे या फिर उड़ना सिखा देंगे। जब मैंने गुनाह नहीं किया उसके बाद भी जेल में, तो भगवान से क्या उम्मीद रखूं? पिछले 3 सालों से रिजल्ट खराब आ रहा है और आगे भी यही हाल रहा तो हम सबकी नौकरी खतरे पे है। चलिए तो जरा शिक्षा अधिकारी के पास में है, ये स्कूल की तो मैं ऐसी तैसी करवा के छोड़ूंगा। चलिए चल कर देखते हैं। देखिए पार्षद जी बहुत गुस्से में, किन्हें और गुस्सा बक लिया, गुस्से में तो क्या है, गुस्से में तो मुझे भी पसीना आ रहा है। जब तेरे पास में अपना गमछा है तो मेरे गमछे से काहे उठा रहे? मैं 3-4 दिन से नहाया नहीं हूँ, ऐसी पूरा बदबू भर जाएगा। नहीं सर, आप कॉन्फिडेंट के साथ सफलता की गारंटी कैसे दे सकते हैं? सर सफलता एक दिन में तो मिलती नहीं, यदि हम ठान ले तो एक न एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी। ये सोनी शुक्ला यादव और उनका प्रिंसिपल मिलके शहर में शिक्षा क्रांति का मिशन चला रहे हैं। शिक्षा क्रांति? यस शिक्षा क्रांति। अच्छा तो अब शिक्षा में भी क्रांति आएगी। ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं है बल्कि आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है। लो गार्ड को बुलाओ, इनको बाहर निकालें। गार्ड को तो क्या, पुलिस और मिलिट्री भी बुला लो, नहीं जाने वाले। मैं यहाँ का पार्षद हूँ। शायद मोहनी, शायद नहीं, मोहनी चली। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। लाइब्रेरी। अब तो आपका सही में भी दम होने का समय आ गया बेटा। सर जी इस उम्र में भी आपका लड़का ठीक है ना, छोटा कहीं दूसरी पारी तो नहीं खेल रहे? क्या बक रहा महाराज, आपको मैं रख दूंगा। मैं अपने पोते की बात रखने के लिए आया हूँ। कल से बोल रहा है पोता कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, स्कूल नहीं जाऊंगा, और आपको मैं रख दूंगा। तुम जो ये करने जा रहे हो इसका नतीजा ठीक नहीं होगा। अच्छा जरा हाथ लगा कर तो दिखा। हाथ नहीं, मैं बस फोन लगाऊंगा। क्यों बे, क्या कर लेगा बे तू? शरीर से तो बड़े अट्टे कट्टे लगते हो लेकिन दिमाग जरा कमजोर है, क्यों? इस शहर के एसपी साहब को जानते हो? अरे उनको कौन नहीं जानता बाप। अरे वो तो बड़े खतरनाक आदमी है, लेकिन हम लोग पकड़ में आएंगे तब ना। बनारस से लड़की वाले आए थे, 30 लाख दहेज देने को तैयार थे और ऊपर से और खर्चा अलग। लेकिन लेकिन क्या हुआ? वो लड़कियां थोड़ी मोटी थी। लेकिन हमारी मोहनी तो मोटी नहीं है। अरे धर, हम अखिलवा को कह रहे हैं कि लड़की मोटी है तो क्या हुआ, महंगाई है, अपने आप दुबला जाएगी। अखिल जी, शादी ब्याह कोई सौदा नहीं है, यह एक सामाजिक व्यवस्था है ताकि प्रकृति का चक्र चलता रहे। आप लोगों को लगता है कि आप लड़के वाले हैं तो आपका पक्ष प्रबल है, हम लड़कियां भी दुर्बल नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, अगर स्कूल की पढ़ाई से ही अच्छा रिजल्ट आएगा तो हमारी कोचिंग में कौन पढ़ने आएगा? यही तो समस्या है सर, अब इनका कोचिंग नहीं चलेगा तो चुनाव में हमारे पास फंड कहां से आएगा? आप तो पार्षद हैं, अब तक तो बहुत कमा लिए होंगे, आपको किस बात की कमी है? आप तो मजाक कर रहे हैं। अब क्या पता खट्टा मीठा कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं ना। इसका मतलब अभी भी कोहरा छाया है? तब तो तेरे मेरे सपने दिखते रहो। हाँ सुरेंद्र सर, ये इश्क नहीं आसान। अरे मैडम लिखाई पढ़ाई छोड़िए, आइए यहाँ आके बैठिए, कुछ हॉट टॉपिक चल रहा है। अरे वाह पार्षद जी, अब तो इतना बड़का नेता बन गए हो कि एक ही झटके में लाखों रुपए कमाने लगे हो। ये क्या पार्षद जी कर? मंत्री जी इस बार माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई। साला तुम जैसे छूट भैया लोग से हम लोग बदनाम होते हैं। मंत्री जी इस बार माफ कर दीजिए, इस बार माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। मंत्री जी आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। हम लोगों के नाम का फायदा उठाते हो और कुछ भी करते रहते हो और पब्लिक हमारे जैसे नेता को भ्रष्ट समझती है।